ये जमीन है, और राहुल गड्ढा खोदना स्टार्ट करता है, राहुल खोदता है खोदता है खोदता है, यहां तक खोदता है, फिर वो थक जाता है, वो बोलता है यार इस जमीन में तो पानी नहीं है, फिर वो 1 किलोमीटर आगे जाता है और फिर से 1 घंटे तक गड्ढा खोदता है, फिर उसे पानी नहीं मिलता, फिर वो आगे जाता है फिर गड्ढा खोदता है, फिर वो आगे जाता है फिर वो गड्ढा खोदता है, ऐसे गड्ढा बहुत जगहों पर खोदता रहता है, उसे कहीं भी पानी नहीं मिलता। पानी पता है कहां पर था? पानी था यहां पर, इस जगह पर। अगर राहुल थोड़ा सा दिमाग लगाता और एक ही जगह पे पूरा गड्ढा खोद देता, चाहे 2 घंटे लगते, इमेजिन करो इसी जगह पर वो गड्ढा खोदता रहता, तो एक टाइम पर पानी उसे मिल जाता। यार आप जिस भी रिसोर्स से पढ़ रहे हो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, उन्हीं से पढ़ो। 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, जब से यूट्यूब आया ना, तो एक चैप्टर यहाँ से पढ़ लेंगे, एक यहाँ से पढ़ लेंगे, यहाँ से पढ़ लेंगे, यहाँ से पढ़ लेंगे, 10 किताबें लाके रख देंगे घर में कि भैया मैं ना ये किताब से भी पढ़ लूंगा, इससे भी पढ़ लूंगा, इससे पढ़ लूंगा। अरे क्या कर रहा है यार, अगर हर जगह गड्ढे खोदेगा तो कहीं से भी रिजल्ट नहीं निकलेगा, कहीं से भी सिलेक्शन नहीं निकलेगा।